वो जो है 370 हटने की जो खुशी है वो जिस तरीके से आप देख सकते हो मनाई जा रही है, सीधी बात इन्हीं से करने की कोशिश करेंगे। सर आज 2 साल हो गए लगभग 370 को टूटे हुए, और जिस तरह से आज 370 टूटने की खुशी मनाई जा रही है, कहा जाता था कि हमें राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन यूटी, 2 यूटी बना दिया गया जम्मू कश्मीर, और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कितनी डेवलपमेंट जो है इन 2 सालों में हुई है। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी कालिदास वर्मा मथुआर ब्लॉक, 370 की खुशी में आज इतना खुश है हम लोग, जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है 370 और 35 है, एक ही एजेंडा बनाया इंडिया का, उसके लिए पूरी इंडिया, पूरा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर बहुत खुश है। और अभी आपने पूछा डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं, जो छोटी मोटी कमी है हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सर राज्य का दर्जा कहा जाता था, राज्य का दर्जा मिलेगा, यूटी बन गया राज्य का दर्जा, लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, क्या लद्दाख दोबारा से राज्य का दर्जा जो है वो मिलेगा? बिल्कुल नहीं, जो 370 कभी टूटेगी नहीं, जो 370 है 35 है वो जड़ से निकाल दी मोदी साहब ने, उसकी खुशी में हम इधर खड़े हैं, उसकी खुशी में हम झंडा चला रहे हैं। कहा जाता था 2 साल हो गया, युवा आज भी बेरोजगार है, नौकरियां नहीं है, इसमें क्या कहेंगे? देखो नौकरियां तो मिल रही है और निकल भी रही है, और आने वाले टाइम में जो है काफी संख्या से जो भर्ती होगी और हो भी रही है, इसका कोई शक नहीं है। ये सभी जानते हैं कि नौकरी की बात करो, नौकरी आने वाले दिनों में जो नौकरी है काफी अच्छी तरीके से होगी। ये भाजपा के युवा जो है आज देख सकते हो कि झंडा लहराते हुए जो अभी फ्लैग होस्ट है यहाँ पे किया जाएगा, काफी जो है वो मनाई जा रही है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भारत माता की जय। और जिस तरह से अभी इंतजार किया जा रहा है, डीडीसी मेंबर यहाँ पे आने वाले हैं, हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर 370 की, 370 की टूटने की खुशी में आज 2 साल हो गए, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये तो पूरे देश से 370 की वजह से अलग था, तो जब से ये टूटा है हमें इसके बहुत से बेनिफिट हुए हैं, बहुत फायदे हुए हैं। आज देखिए मोदी सरकार ने कितने सेंटर की जो स्कीमें हैं वो J&K में भी लागू हो रही हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें इसमें जो आती हैं, कितने उनके अच्छे से फैसले हैं। अभी देखो जो बाहर के जो फैक्ट्रियाँ जहाँ लगेंगी, जैसे पहले 6 की हैं उसकी हम सराहना करते हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया। हम पहले देखते थे कि कोई भी दवाई या कोई भी महामारी पड़ती थी तो इंडिया सबसे पीछे रहता था, तो अब सारे वर्ल्ड को पता है कि सबसे पहले मेरे ख्याल में इंडिया सबसे आगे रहा, दवाई भी लाई, और जो पैसा उन्होंने खर्च किया है उधर, अब लोग कह रहे हैं महंगाई या नौकरियाँ नहीं मिल रही तो वो भी सब मिलेंगी, स्टेट को भी मिलेंगी, उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो सराहना योग्य है। दूसरी पार्टियां जो हैं वो उनकी जो अपोजिशन कर रही हैं उनको पता है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपना नाम कमा लिया है, वो पीछे रह गए हैं इसीलिए उनकी अपोजिशन कर रहे हैं,
मैं कहता हूं उन्होंने इतनी मेहनत की है कि जैसे एक शायर ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। वो उड़ान उड़ी है नरेंद्र भाई मोदी जी ने। हम पब्लिक जो उनका अपोजिशन कर रही है उनको भी कहते हैं कि आप भी साथ आएं, उनका साथ दें और इंडिया का विकास करें। जय हिंद, जय भारत। नारे लगाते हुए और अभी थोड़ी देर में फ्लैग जो है वो होस्ट होने वाला है, इंतजार जो है वो किया जा रहा है, यहाँ पे डीडीसी मेंबर्स जो है उनसे यहाँ पे करवाया जाएगा। सर जी, स्टेट समाचार से हम लोग आज, मैं पहले स्टेट समाचार का धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर आप इधर आए हैं। मैं भगवान दास शर्मा, भारतीय ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी मुथवार मंडल। ये जो आप विकास की बात कर रहे हैं, मोदी साहब जब से बने हुए हैं 2014 से लेकर स्टेट में बहुत से प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं। हाईवे की बात कर लो आप, जम्मू से पुंछ तक, वो जम्मू से कटरा तक रिंग रोड, जम्मू में तो उन्होंने कोई सार्वजनिक रोड नहीं छोड़ा है जिसमें डेवलपमेंट नहीं की है। रोड का ये वर्जिटा जो हम जहाँ खड़े हैं ये प्रोजेक्ट है। जैसे आप बार बार पूछ रहे हैं कि नौकरियों की बात, 2019 के बाद से लेकर अभी तक कोरोना ने जो महामारी फैली है, जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरे जना काम किया है, इतना काम पूरी वर्ल्ड में नहीं हुआ। 50 करोड़ लोगों को इंजेक्शन दे दिया है, अभी तक जो हमारे से बहुत से डेवलपमेंट कंट्री हैं उन्होंने इतने इंजेक्शन वगैरह नहीं किए हैं। 5-6 कंपनी जो हैं वो कोविड का इंजेक्शन तैयार कर रही हैं और हर रोज